Vivo T2X। तो गाइज फाइनल इस फोन के अंदर एक लेटेस्ट न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट जो आ चुका है, यानी कि ये फोन लॉन्च हुआ तो पहली बार ये फर्स्ट अपडेट आया इस फोन के अंदर। तो गाइज कैसे अपडेट करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, जैसे कि आपका डेटा डिलीट ना हो, ओनली फॉर आपका फोन का सॉफ्टवेयर ही अपडेट हो, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राधे बीट्स। तो दोस्तों ये हमारे पास Vivo T2X। तो गाइज अभी रिसेंटली फोन जो लॉन्च हुआ है, कुछ दिन पहले, लेकिन इसके अंदर एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट जो आ चुका है। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना वाईफाई जो कनेक्ट कर लेना है। जैसे गैस आप वाईफाई कनेक्ट करते हो, फिर आपको चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में गैस जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट, सिस्टम अपडेट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे गैस यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो चेकिंग फॉर अपडेट्स लिखा हुआ आ जाएगा। तो गैस अभी क्या करना है कि आपको कुछ सेकेंड जो वेट करना है। जैसे कि आप कुछ सेकंड्स जो वेट करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू वर्जन फाउंडेड 13.0.11.2। और गैस इसकी साइज भी यहाँ पे आप देख सकते हो 212 MB का सॉफ्टवेयर अपडेट जो आया है। और इस अपडेट के अंदर कंपनी ने क्या कुछ न्यू ऐड किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप चाहो तो इसको भी रीड कर सकते हो। वैसे कैमरे के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, मल्टीमीडिया के अंदर भी कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, नेटवर्क के अंदर एंड सिस्टम के अंदर भी, सिक्योरिटी पेज भी अपडेट इस फोन के अंदर जो आ चुका है। तो यहाँ से हम डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ से आपको जो डाउनलोड कर देना है तो यहाँ पे वेटिंग टू वे डाउनलोड लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ सेकंड जो वेट करना है, जैसे आपकी वाईफाई की स्पीड रहेगी उस हिसाब से डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि मेरा वाईफाई फ़िलहाल सही से जो काम नहीं कर रहा है। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाता है तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो भी मैं दिखाऊँगा इस वीडियो में आगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो 100% डाउनलोड हो जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली हमारा फ़ोन जो अपडेट की प्रोसेस में चला जाता है। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है जब तक कि ये स्टार्ट ना हो जाए। अभी जितनी भी प्रोसेस होगी वो ऑटोमेटिकली होगी, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है जब तक कि ये स्टार्ट ना हो जाए। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो Vivo 5G लिखा हुआ आ चुका है। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉलिंग द अपडेट पैकेज, डोंट प्रेस एनी बटन आफ्टर द अपग्रेड, यानी कि जब तक हमारा फ़ोन जो स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक आपको कोई भी कीज जो प्रेस नहीं करनी है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और गाइज ये प्रोसेस ख़त्म होने में तकरीबन 2 या 3 मिनट जितना टाइम लगता है, तो आपको शांति से जो वेट करना है। तो गाइज वो प्रोसेस ख़त्म हो जाने के बाद हमारा फ़ोन जो पूरा ब्लैक स्क्रीन हो जाता है, और यहाँ पे अगेन Vivo 5G लिखा हुआ आ जाता है। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये तकरीबन 1 या 2 मिनट जितना टाइम लगता है, ये Vivo 5G की ब्रांडिंग ऐसे ही रहती है। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्टिमाइजिंग द एप्स, 68 एप्स इसके अंदर जो बहुत ही फास्टली ऑटोमेटिकली जो ऑप्टिमाइज हो रही है। और गाइज फाइनली हमारा फ़ोन जो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अभी जो रिसेंटली हमने इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया वो कम्प्लीटली हो चुका है। तो गाइज यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाके चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको सिस्टम अपडेट पे जो नोटिफिकेशन दिखा रहा था वो कम्प्लीटली हट चुका है। और गाइज जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो द सिस्टम इज ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन फन टच OS 13.0.11.2। यानी कि इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन को जो अपडेट कर सकते हो। तो इफ यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।